अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रफीक ब्लॉग पे। जी दोस्तों, आज असी ध्यान दिखाने वाले हैं मलेशिया के एक खूबसूरत प्लेस जिन्हा नाम है दातारा बलदेर। इस तरीके करके नाम है, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन मैंने सही तरीके ना लेना नहीं आता। तो चलने जल्दी जाके तुम अच्छी अच्छी इतने दीज़ा दिखाने कि इतने कि चीज़ा देखने वास्ते ने। ठीक है जी, सारे ने पहले तुम देख रहे कि यह रोड है ना जो मेन एतवार वाले दिन बंद होंगे, मतलब कि संडे वाले दिन ये रोड बंद होंगे। तो यह मलेशिया का झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्हों की कोई वड्डी सारी पता नहीं अदालत है कि चीज़ है, इनका मैनू नहीं पता। बाकी मैं तुम्हें तोड़ जाके विजिट कराना कि इतने केड़ी-केड़ी चीज़ है। तो इतने काफ़ी ज़्यादा आवाम आती है, तस्वीर खिंचती है, टिकटॉक बनाती है, तो टूरिस्ट आते हैं। तो मेरे सामने एक मूवी या कोई ड्रामे का सीन शूट हो रहा, मैं जानना कोशिश करना अगर तुम विखा सकिया तो मूवी बना रही है, तस्वीर बना रही है। तो थोड़ा या फिर तुम इधर भी लैके जावे, चिल कर रही है भाई, इतवार वाले दिन पूरी चिल करते हैं जी। दोस्तों बिल्कुल करीब जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने जान नहीं दिता। उन्होंने आख्या जी जनाब ड्रामा शूट हो रहा, तो इस करके तुम इतने मूवी या व्लॉग नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो कोशिश करनी इतने भी तुम्हें खूबसूरत जगह दिखाने। ठीक है जी, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है लेकिन बारिश तो पहले पहले मेरा दिल है कि यार तुम अच्छा या बेहतरीन या व्लॉग बना के दिखाने। तो यह प्लेस तुम चेक कर सकते ही बैक साइड पर जिन्हें तो काफ़ी तस्वीर आम लाँदी। तो इतने मतलब क्या भाई देख रहे हैं जिन्हें टोपी लाई हुई है, फोटो खिंचता है ना तो इन्हें पैसे लेंदा है, तो इन्हें 10 रिंगड़ या 5 रिंगड़ लेगा तो फोटो एक खिंच के देगा तो तुहाडे फोन पर अपलोड कर देगा। ठीक है, तो आवाम काफ़ी वेख सकते, छत्ते छुत्ते लै लेने उन्होंने, छत्ते छुत्ते तो लैने क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, इस करके फिर जड़ा ना रुक गई है आवाम एक बारी। तो यह साढ़े पिछे जोड़ा वो बड़ा टावर जी सुने कहते हैं कि बुर्ज खलीफा तो बाद जो दूसरा टावर है वह ऐ वाला है, काफ़ी उच्चा है। ये तकरीबन मलेशिया की इधर वाले एरिया जी किसी से भी जाइए ना ये तो सेंटर से ही दिसेगा जी, जिस तरह तेजे कोल ही है। ठीक है जी, तो यह चेक करो, वो उत्ते वड्डी सारी एक क्लॉक भी बनी हुई है, घड़ी जी बनी हुई है। इन्हें अंदर भी मतलब एक म्यूजियम टाइप जहाँ भी चीज़ा बनिया ने, चीज़ा बड़िया बड़िया पुरानिया पईं। एक दिन मैं इधर नू गुजरिया सी तो मैं देखिया सी, तो उस साइड तो काफ़ी रश सी, फिलहाल बारिश की वजह तो मठा हो गया। तो मैनू भी इंज करना चाहिए कि यार अज का व्लॉग तकरीबन कोई करीब करीब करके एंड कर देना चाहिए क्योंकि बारिश वाहवा होनी शुरू हो गई, तो फिर मेरे को शॉप पर भी वापस अपना मुश्किल हो जाना। तो एरिया बाकी बड़ा घूमन फिरन वास्ते बेस्ट है, तो खूबसूरत है। तो तुहाडा भरा किसी दिन तुहानू कोशिश करेगा पूरा मुकम्मल इतों का व्लॉग बना के दिखावगा। तो तुम भी दस्या जी कमेंटा के एरिया तो आ जगह तुहानू किस तरह की लगी, तो फिर भी मैं कोशिश करना एक बार थोड़ा जहा अगों एक चक्कर ला के आन की तुहानू दिखाने की। तो यह थलो बेसमेंट बनी हुई है, मेरे ख्याल बेसमेंट थले तो उनकी थलो आवाम आ रही है या कोई कोई ना कोई चीज़ बनी होगी, मैं तो आप नहीं देखी फिलहाल। यह देखो तो यह एक लगा हुआ मैप या मतलब कि यह फौजी बने हुए हैं, तो पिछली साइड पर अदालत जी या कि चीज़ बनी हुई। ठीक है जी, इस साइड पर बने हुए ने रेस्टोरेंट थले बने हुए हैं, तूतली साइड पर रैशा ने या की चीज़ है, यह चीज एरिया भी मैं नहीं फिर तो कट्ठे फिरेंगे जिस दिन सबसक्राइबर मेरे नहीं भी नाल फिरेंगे। यह देख रहे हूँ आवाम जी रोड के उपर तस्वीर ला रही थी, सेंटर च खलो के इधर इनकी यह पिछला व्यूज़ लै रही थी, हूँ सारी आवाम अंडरग्राउंड थोड़ी अगे हो गई है कि जड़ा ना जिन्ना भी व्यूज़ है ना वो बिल्कुल कोल खलो गई कि बारिश का बारिश रुकन का वेट कर रही है। ठीक है जी, चलने जाके तुम मजीद होर जड़िया चीज़ा अट्रैक्टिव ने ना वो दिखाने। और सामने बहुत खूबसूरत एक ना झरना जहा बनया हो जिस तरह फुहारा नहीं हूँ इस तरीके नाल, ते करीब जाके दिखाना वा तुहानू किस तरह का लगता है। तो यह मलेशिया का झंडा है जिहड़ा काफ़ी उच्चा है तो काफ़ी दूरों भी दिसदा है। और सामना जिहड़ा इन्हां दे नाल दा एक मनारिया है ना उहदे ते उन्होंने वो मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत हो रहा ना तो इस करके उन्हें क्लोज़ किया हो। हाँ जी दोस्तों, देख रहे मेरे उपर झंडा, तो यह पहुँचे आप एक बिल्कुल खूबसूरत झरने के कोल, तो बहुत कमाल का व्यूज है। तस्वीर लाने वास्ते टिकटॉक शिकटॉक बनाने वास्ते मज़ेदार प्लेस है यार, चेक करो। दूरों होर भी खूबसूरत लगता, क्या एक बहुत खूबसूरत फुहारा है, बिल्कुल पूरा तो नहीं चल रहा, हल्का हल्का चल रहा जितना कुछ योगा है एक बारी, पर मैं लगता है कि पानी की वजह तो थोड़ा जहा काम चलता, फिर बारिश होने लग पी ना। तो यह चेक करो,
ਇਹ ਝੰਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਰ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਤੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਟੋਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਨਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਸੂਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਛਤਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਲੋ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਮਤਲਬ ਬੀਫ ਬਰਗਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੋੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਜੀ ਭਰੀਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੂਨ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰੀਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੂਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਰਫੀਕ ਵਲੋਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਲੋਗ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।